फ्रेंड्स, जो यूपी टीईटी यानी यूपी टेट का एग्जाम जो है, सरकार उसको दिसंबर में कराने की तैयारी पे है। जी हाँ, चलिए आइए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं और आपको बताते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी जो यूपी टीईटी यूपी टेट है 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। पिछले वर्षों में अगस्त माह तक प्रस्ताव जो है तैयार होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से प्रक्रिया अब शुरू करने की रूपरेखा बन रही है। पहले जो होता था, ये एग्जाम जनरली अक्टूबर में जो है वो हो जाते थे, लेकिन इस बार पता है कि ये तो टेट एग्जाम है, जो सी टेट एग्जाम जो है जुलाई में होना था वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम है वो नहीं हो पा रहे हैं, मई जून वाले एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, तो अब अक्टूबर में इस एग्जाम को करा पाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो एक शेड्यूल जो एक रूपरेखा होती है वो ही नहीं बना है अभी। प्रस्ताव सितंबर के पहले पखवाड़े में शासन को भेजने की तैयारी है। आवेदकों की तादाद अधिक होने के आसार हैं। अब बिल्कुल सही बात है, सी टेट के बाद यूपी टेट में ही सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा 2 बार कराता है, सी टेट जो है उसके एग्जाम्स 1 बार जुलाई में और 1 बार जो है दिसंबर में होते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीटी है उसने कह दिया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। और यहाँ पे यूपी टेट में तो पहले 3-3, 4-4 साल में 1 बार यूपी टेट होता था, अब जो है ईयरली होने लगा है, ठीक है। पिछले साल की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी और उसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। आप सोच सकते हैं 16 लाख जो है, जिस तरह से सी टेट में कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, अप्लाई करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे यूपी टेट में इतने तादाद में लोगों ने जो है आवेदन किया था। और इस बार कोरोना के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस रहा है। और इधर बीएड की परीक्षा होने के बाद अन्य परीक्षाएं जो है संस्थाएं भी कदम आगे बढ़ाने को तत्पर है। तो जिस तरह से अभी आपको पता है कि अभी जो है बीएड के एग्जाम हुए हैं, हालांकि बहुत अनियमितता उनमें देखने को मिली है। अब बीएड के बाद जो है 16 अगस्त को जो है बीओ का एग्जाम्स है, और बीओ के एग्जाम के बाद जो है अब यूपी टेट का एग्जाम होगा। तो कोरोना की वजह से थोड़ा वो लेट हो रहा है, ये हम सभी को पता है, लेकिन जो है दिसंबर में जहां तक है 100% इसके होने की पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए हमसे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब के लिए टेक केयर, बाय।